इंट्रेंसिक ग्रोथ पढ़ रहे थे, इसके अब टू टाइप होते हैं, इंट्रेंसिक ग्रोथ। इसके टू टाइप कौन कौन से होते हैं आपके, एक होता है आपका इंडिटर्मिनेट ग्रोथ, एक होगा आपका डिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है, इंडिटर्मिनेट ग्रोथ कौन सी होती है, इंडिटर्मिनेट जो पूरी लाइफ चलती रहती है, हम कह सकते हैं इट अकर थ्रू आउट द लाइफ, और डिटर्मिनेट जो एक सर्टेन एज पर आकर रुक जाती है उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। इंडिटर्मिनेट हम कह सकते हैं इट अकर थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, और डिटर्मिनेट हम कह सकते हैं ओनली अप टू अ सर्टेन एज, एक सर्टेन एज पर आकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो इसको अनलिमिटेड ग्रोथ और इसको लिमिटेड ग्रोथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलती होगी किसके अंदर, प्लांट्स के केस के अंदर, और डिटर्मिनेट आपको देखने को मिलती होगी एनिमल्स के अंदर। इंडिटर्मिनेट्स की बात करें तो प्लांट के अंदर देखने को मिलती है, और डिटर्मिनेट की बात करें तो एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या था आपका ग्रोथ। ठीक है, हमें एक्सटेंसिव की बात कर रहे थे, एक्सटेंसिव में हमने बात की थी कि हाँ भी ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब वो कैसे, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि रोग का ले लिया आपने। ठीक है, तो रोग जो होते हैं इनमें जो ग्रोथ होती है, यानी कि मास तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो ग्रोथ हो रही है वो कहाँ हो रही है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये नॉन लिविंग होते हुए भी इसमें जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कहेंगे, इसको हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग। जो ग्रोथ है हमारा वो कैसा फीचर है, नॉट डिफाइनिंग फीचर। अब नॉट डिफाइनिंग, डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो, विच हैव नो एक्सेप्शन, लेकिन ये कैसा है, नॉट डिफाइनिंग फीचर है आपका ग्रोथ का। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो फैक्टर्स की अगर हम बात करें लिविंग को बताने के लिए, हम बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन को देखो, रिप्रोडक्शन क्या होता है आपका, रिप्रोडक्शन होता है आपका प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इंडिविजुअल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो लिख सकते हैं हम, रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन हम दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर देखते हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। ठीक है, अगर हम बात करें मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, रिप्रोडक्शन ही ना मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग आते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं इसमें जो प्रोजेनी होती है वो सिमिलर भी होती है और लेस सिमिलर भी हो सकती है ऑफ द पेरेंट्स के। ठीक है, तो मल्टी सेलर के अंदर जो प्रोजेनी होती है, प्रोजेनी कैन बी सिमिलर और लेस सिमिलर ऑफ द पेरेंटल ऑर्गेनिज्म या फिर ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आगे आपका मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म से पहले कौन कौन से होते हैं देखो, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके, जैसे हो गया आपके अमीबा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसके अंदर आ सकते हैं कुछ एल्गी भी आ सकते हैं। अमीबा के अंदर अगर बात करते हैं तो इनमें यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनमें क्या होता है, इंक्रीज होते हैं इनकी, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। कैसे, देखो अगर आप अमीबा का केस का एग्जांपल देखते हो तो अमीबा के अंदर और इसमें जो भी है, जो प्रोजेनी होती है वो सिमिलर होती है, एकदम पेरेंट्स की कॉपी होती है। जैसे ये आप अमीबा ले रहे हो, ठीक है, अमीबा अब इसको जब ये डिवाइड होती है तो टू में डिवाइड हो जाती है और ये बिल्कुल सिमिलर होती है किसके, पेरेंट्स के। तो हम क्या कहते हैं ना कि हाँ अभी ये क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, एक से दो बन रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या था आपका, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। अब रिप्रोडक्शन की अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, अब वो कौन से होते हैं, ऐसे अगर हम बात करें कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिस डू नॉट हैव रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मैनी, क्या हम कह सकते हैं, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म
प्रोड्यूस। अब वो कौन कौन से हैं, देखो आपका आता है जैसे म्यूल, या हम कह सकते हैं स्ट्राइल फीमेल, ठीक है, या प्रोटोनिमा, निमा ऑफ मोस्ट प्लांट, ठीक है। तो ये ऐसे हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी कैसी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई या फिर आपकी नॉट डिफाइनिंग, तो हम कह सकते हैं ये भी कैसा फीचर है, एक नॉट डिफाइनिंग फीचर। तो जो आपका रिप्रोडक्शन है वो कैसा फीचर हुआ, नॉट डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के तुम्हें बताया कितने टाइप होते हैं, टू टाइप होते हैं। अब वो कौन कौन से टाइप होते हैं, पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो टू टाइप देखो रिप्रोडक्शन के, सबसे पहले देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, और सेक्सुअल जिसके अंदर गैमेट फ्यूजन होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फ्यूजन इन्वॉल्व, और इसके अंदर आए गैमेट फ्यूजन सॉरी डज नॉट इन्वॉल्व, क्या है सेक्सुअल है ना, तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता आपका गैमेट फ्यूजन। और सेक्सुअल की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं गैमेट फ्यूजन अपर, ठीक है।